लोग लड़ाई लड़ते रहे, लड़ते रहेंगे। और अब आगे की रणनीति, हमारे साथ कई संगठन के लोगों ने बातचीत किया है, अब रणनीति के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे इस चीज को। जितने लोग ये कर रहे हैं हम उसको प्रमाण पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जायज के साथ, प्रमाण के साथ। मुकेश जी एक दर्शक लिख रहे हैं कि मुकेश चौहान खुद सहारा का एजेंट है, अपने कमीशन के लालच में अपने निवेशकों को गुमराह करके फंसाया है, अपने निवेशकों का बॉन्ड आधे दाम पर खरीदा है और उसे और उसी खरीदे हुए खाते का भुगतान के लिए नाटक करता है। क्या सही है ये बात? सभी को मेरा नमस्कार। सर ये तो कोई नहीं, अब ये कौन है क्या है मैं तो जानता नहीं। और सर सबसे बड़ी बात, 2018 में ही, 18-19 में ही मैंने रिजाइन दे दिया, ठीक सर। 2018-19 में मैंने रिजाइन दे चुका हूँ, तो मैंने कहां से खरीद लिया? अभी तो ये सही सर, अभी तो यहाँ पे सभी के खिलाफ कमेंट किए जा रहे हैं, अब सब कौन है? कल तो बोल दे, कल तो ये भी बोल दे, ये सारा के सभी सारा के चाटुकारी है, इन्हीं के मिले जुले, ये किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, किसी के साथ भी। इनको पता है भुगतान दिलाने वाली बात तो कोई कर नहीं रहा है, ये सिर्फ इनको और दूसरे जो बोल रहे हैं, जो सारा के खिलाफ जो बोल रहे हैं, सारा की गलती जो बता रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं ये सारा का एजेंट है, ये वो है, ये सारा कमीशन फोर है। भाई हमने तो हमने 5-6 साल हो गए रिजाइन दिए और काम बंद किए, हम तो भुगतान के 2018 से भुगतान के लिए तरह से भुगतान नहीं मिल रहा है। और कन्हैया साहब से अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही कन्हैया साहब ने बोला के 12 साल से सारा प्रबंधक की दिवाली काली है। सारा प्रबंधक दिवाली काली कहां से हुई? जब सपना राय और सुब्रत राय जी अपनी साथी की सालगिरह मना रहे हैं, उनके बर्थडे मना रहे हैं, उनका करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, तो कहां से काली हुई? उनका खाना पीना, उनका रहन सहन में किसी तरह की कमी नहीं आई, तो कहां से काली हुई? गोपी श्रीवास्तव उनके पोते के जन्म दिवस पर सभी ब्रांचों पर मिठाइयां बांट रहे, तो कहां से काली हुई उनकी दिवाली? यानी सारा प्रबंधक के लिए दिवाली काली कहां से हुई? और सुशांत राय, सारा सुब्रत राय जी के पोते बच्चे सारे मिसी दुनिया में, उनकी कहां से काली दिवाली होगी? सभी तो ऐसो आराम से रह रहे हैं। आज सपना राय ऐसो आराम से सभी व्हाइट हाउस में रह रही है, सपना राय व्हाइट हाउस सारा शहर में रह रहे हैं। उनके कौन सी खाने पीने की या मेडिकल में कोई कमी आई, या उनके किसी भी प्रोग्राम में, या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं, या बर्थडे मनाते हैं, शादी सालगिरह मनाते हैं, कभी कहां आई कमी आ रही? सिर्फ जमा करता और कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता और जमा करता में कमी आ रही है। सारा में जो भी काम किया, जिसने जमा किया, वो रो ही रहा है, आंसू बहा ही रहा है, वो अंदर से अंदर वो मतलब टूट चुका है, उसको भुगतान नहीं मिल रहा, ना जमा करता को भुगतान दिला पा रहा है। ये सभी सिर्फ चाटुकार आ रहे हैं, सिर्फ सारा से इनको सिर्फ रोटी मिलती है, खाने को रोटी मिलती है, ये वही बोल रहे हैं। अशोक राम जी, मेरी बात एक मिनट सर, मेरी बात खत्म होने दीजिए, क्योंकि दो बार पहले भी मैं जुड़ा, आपने मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि कन्हैया साहब को आपने पूरा समय डिबेट को पूरा समय दिया उनको, और जब हमें उनसे क्वेश्चन करना था क्वेश्चन करने नहीं दिया, आप पूरी डिबेट उनके नाम से चला दी, पूरे 2 दिन पहले पूरी डिबेट उनके नाम से चला दी, और पूरा झूठ फैला के चले गए, यानी 1-1.5 घंटे की डिबेट में पूरा झूठ फैला के चले गए, और सारा उनको ही सुना गया, यानी पूरा पक्ष आपने सारा का सुना, और उन्होंने जो बोला वो आपने यहीं पर पेश करवा दिया, ठीक है। इसमें जो कार्यकर्ता है, जो सही बात, जो दुखी है, परेशान, उनकी बात तो सुनी ही नहीं, उनके बाद उनका क्वेश्चन भी नहीं रखने दिया आपने, ना उनसे सवाल जवाब। मैं लास्ट में बोला सर उनसे जवाब पढ़ने दो, उनको क्वेश्चन पूछने दो, मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, हर बार जो आ रहे झूठ फैला रहे, पिछले 2013 से, 2004 से, 2005 से उनके जवाब से इस तरह से आते हैं, भाई हमें वो नहीं जानना, हमें उनकी कथा ही नहीं सुननी, ना उनका भाषण सुनना है, हम सिर्फ ये सुनने आए कि आप सारा प्रबंधक से भुगतान की कब डिमांड होगी, हमारी भुगतान कब मिलेगा, सिर्फ हमें ये पूछना, उनसे फालतू बकवास, हम उनकी बकवास सुनने नहीं आते। उनको कंपनी द्वारा इसी कारण से भेजा जाता है कि लाइव में जाइए, समय बिताइए, और लोगों को जो जहां पर जो परेशान होते हैं वो अपनी बात ना रख सके, वो अपनी बात बिल्कुल ना रखे, ताकि वो समय निकल जाए और खत्म हो जाए 1-1.5 घंटा, ताकि लोगों तक वो बात ना पहुंचे। जो सही बात होती है, जैसे सतीश जी बोलते हैं, चौधरी साहब बोलते हैं, या अशोक जी बोलते हैं, ये सही उनसे रूबरू कराते हैं कि भाई क्या समस्या जमा करता हूँ, कार्यकर्ता समस्या क्या है, सर सभी समस्या बताते हैं, परेशानी बताते हैं, 2012 से बता रहे समस्या काली दिवाली, 2012 से कौन सी काली दिवाली है? भुगतान तो बोल रहे थे, खुद बोल रहे थे
कि 14-15 में भुगतान सही चल रहा था तो ये झूठ क्यों बोल रहे ये सब। 2014-15-16 तक भुगतान सही चल रहा था, कन्हैया सर झूठ बोल रहे कि 2012-12 साल से काली दीवारी झूठ बोल रहे, उनकी हाल उनके जो अल्पाज शब्द बोल रहे उसी में वो वही गिरे जाते हैं, वही गिराए जाते हैं वो सर। और आपसे निवेदन है सर, कन्हैया सर जो आते हैं तो आप सबसे पहले उनसे यही क्वेश्चन पूछा करेगा, मैं तो सभी को कहता हूँ आप उनसे यही पूछो भाई भुगतान कब से चालू हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं बीमार वाले हैं जिनके शादी नहीं हो रही, बुजुर्ग 80-80 साल के बुजुर्ग उनको भुगतान क्या होंगे, मरने के बाद ऊपर जाके देंगे क्या प्रबंधक, ये जो कन्हैया सा मरने के बाद ऊपर 80 साल बाद 80 साल की एज में उनको भुगतान नहीं मिल रहा तो क्या ऊपर मरने के जाके देगा, मरने मर जाएगा 80 साल का बूढ़ा बूढ़ी जो है वो मरने के बाद ऊपर लेंगे क्या भुगतान, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट अशोक जी आप बोले फिर मौका मिलेगा जरा, अशोक राम महेश जी मुकेश जी अशोक राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सहारा जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा स्कैमस्टर है और फाइनेंशियल जो स्कैम है बहुत बड़ा स्कैम है सहारा, इसमें आप किसकी सहभागिता देखते हैं, कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये मैं अगर आपसे पूछूं तो थोड़ा बताइए जरा विस्तार से, और कहां आप देख रहे हैं कि कहां घोटाला हो गया है वो भी समझाइए। अशोक जी जी आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। आवाज जा रही है ना सर? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज जा रही है ना? बिल्कुल आ रही है बिल्कुल। जहां तक सर मैं आपको बताऊं, जहां तक स्कैम तो थोड़ा सा हमको विगत 12-14 पीछे बैठना पड़ेगा सर, ठीक है। स्कैम तो नो डाउट हिंदुस्तान का हम समझे कि अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में जो भी स्कैम हुआ है उसमें निसंदेह इसको साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी तक हिंदुस्तान में जितने भी क्राइम और जो भी हुए इससे बड़ा अभी तक कोई स्कैम न हुआ है न हो सकता है आने वाले समय में और हो, जहां तक मुझे पता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ 12-14 साल पीछे पूर्व के दिनों में, जहां तक स्कैम की बात है तो इन्होंने जब रियल स्टेट और हाउसिंग के माध्यम से जो पब्लिक के बीच में जो पैसा उठाने का काम किया, दो कंपनियों को लेकर के आए, रियल स्टेट और हाउसिंग को लेकर के आए, तो 2-3 साल के बाद, ठीक है, 2-3 साल के बाद इसका जो है बड़ा बेटा आईपीओ का लाइसेंस लेने के लिए सेबी के पास गया और उनका एक मिनट तो हम शुरुआत होती है वहीं से, क्योंकि जो भी है वहां प्रस्तुत करते हैं सेबी के पास कि हमारे पास ये है उसको, क्योंकि आईपीओ लाने का कुछ कार्य प्रणाली होती है, कुछ सिक्योरिटी होता है, तो सारा का सारा इन्होंने रियल स्टेट और हाउसिंग को सटल कर रखा। तो जब रियल स्टेट और हाउसिंग का पेपर जब सेबी के द्वारा चेक किया जाता है तो वहीं से ये सारी कहानी की शुरुआत होती है, और वहीं पे इनको कहा जाता है कि साहब आपने क्या किया, जो आपने लाइसेंस ले रखा है इसमें तो अशोक जी एक मिनट रुकिए, आप अपना ईयरफोन निकाल लीजिए, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सुरेश कुमार जी से निवेदन करता हूँ, वो लाइन में आए अगर वो बात जो इतना लिख रहे हैं ना उनसे मैं निवेदन करता हूँ वो लाइन में आके मेरे से बात करें, लाइन में आके डिबेट पे मेरे बात करें मेरे से। राइट बिल्कुल, हाँ छुपके बात कर रहे हैं, लाइन में आके बताए अपना चेहरा बताए कौन है, मैं उनको उनका पर्दाफाश करना चाहता हूँ। सामने आए नाम गलत रख के झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है तो अगर सही बोल रहे लाइन में आके बात करें। राइट, हाँ बोलिए बोलिए अशोक जी। मैं वो आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। अरे यार कोई क्या कल सुबह में ना अशोक जी के साथ चले जाएगा, ये कौन है? खैरुल हक साहब हैं, खैरुल हक साहब आसाम से, हक साहब आसाम से हैं।